अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया है कि आज मैं किस चीज़ पे वीडियो बना रही हूँ, तो आज मैंने बहुत जल्दी जल्दी काम कर लिया है फटाफट से सुबह ही सुबह। और काम करने के बाद आज मैं नाश्ता की हूँ और नाश्ता करके ये चाय वगैरह मैं पी चुकी थी और ये पानी पी रही हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा मुझे टाइम मिल गया था तो मैं बच्चों की कॉपी, ये बाबू का स्कूल का कॉपी है वो मैं चेक कर रही थी कि मैडम इसकी क्या करवा रही है। और ये शफक की है, ये बुक्स स्कूल की थी तो वो भी मैं पढ़ रही थी। तो मैं चाय पीते पीते ये सब पढ़ रही थी तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स होकर के काम कर रही थी। तो खैर चलिए, ये सब तो होता ही रहता है, ये सब मैं कर लिया। तो चलिए अब वीडियो को मेन पॉइंट की तरफ आते हैं। तो चलिए, जो वीडियो बनाना है तो उसके लिए मैंने ये एक चादर लिया है। तो किचन को मैंने आज बहुत ही अच्छे से एक अलग सा लुक देने वाली हूँ मैं। तो ये देखिए, मैंने एक चादर लिया है तो ये चादर बहुत ही अच्छा है और इसका बिल्कुल भी कलर नहीं गया है। और ये देखिए, ये चादर अच्छा है पर यहाँ से मसक गया है, ये देख रहे हैं, ये मसक चुका है। तो ये चादर को मैं नहीं बिछाती होती, इसको मैं इसीलिए रखी हुई थी कि मैं किचन का वो पर्दा मैं लगाऊँगी तो इस तरीके से। तो चलिए इसको कट करेंगे और कट करके इसका एक अच्छा सा लुक देंगे कि किस तरीके से देना है। तो जितना बड़ा, जितना हाइट का हमारा सेल्फ जो है काउंटर टॉप है उतनी हाइट का हमें इसको काटना है और काट के उसको सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं पंखा बंद कर दे रही हूँ, यहाँ पे पंखा चल रहा था तो वो चादर हल्की थी तो वो उड़ के मतलब दिमाग ख़राब हो रहा था। तो ये जो लाइन है, लाइन के सीधे सीधे बिल्कुल कट करना है, कोई भी लाइन पकड़ना है और लाइन पकड़ने के बाद उसको सीधे सीधे कट करना है। तो ये मैं सीधे सीधे कट कर लूँगी फटाफट से। और ये देखिए, मैंने काट लिया है और इस कपड़े का भी साइड कर दूँगी तो इसे भी इसी के बराबर काटना है। तो इसको मैं फोल्ड करूँगी इस तरीके से, जितना आप जिस चीज़ में रस्सी में लगाना चाहें या पाइप में लगाना चाहें तो मैं उसमें उतने बड़े साइज़ का ये होल बना करके उसको सिलाई करेंगे। तो चलिए मशीन पे चलते हैं। तो ये मशीन में मैं धागा भर रही हूँ, ये देखिए बैबिन में मैं धागा भर रही हूँ और यहाँ पे पता भी नहीं चल रहा है कि बैबिन में धागा भरा जा रहा है। और ये देखिए, इस बैबिन को मैं निकाल लेती हूँ और डिब्बी में सेट करके इसको सेट कर दूँगी मशीन में और इसको सिलाई करूँगी। और ये मशीन जब स्टार्टिंग में आया था तो क्या, ये मैं पहले जब मैं पुराने वाले घर पे रहती थी तो ये इस मशीन को चलाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने सिखाया कि ये इस तरीके से चलती थी। तो जब शुरू शुरू में ये काम करती थी तो मुझे बहुत डर लगता था, बिल्कुल ये मशीन वो मशीन वाली है, इसमें पैर का सिर्फ काम करना पड़ता है, इसमें हाथ वाथ से कुछ भी नहीं चलाना पड़ता, हाथों का कुछ भी करनी है, जो भी बैलेंस करना पड़ता है पैरों से करना पड़ता है। तो ये शुरू शुरू में जब मैं स्टार्टिंग में सीखती थी तो बहुत डर लगता था, ये जितना भी हल्का पैर रखती थी वो मतलब आगे को भाग जाता था। तो ये देखिए, मैंने चादर सिलाई कर चुकी हूँ और ये मैं पाइप ली हूँ, ये पाइप तो अक्सर घरों में होती ही है, तो मेरे घर में काम लगा हुआ था तो ये बिजली का पाइप और पानी का पाइप, दो पाइप छोटे छोटे साइज़ के बचे हुए थे। तो और भी पाइप है लेकिन वो बड़े बड़े से है तो ये मुझे सही साइज़ का लगा, जितना बड़ा मेरा किचन है उतनी बड़ा है। तो इसको मैं ले करके इसके अंदर ये फिल कर लूँगी इस तरीके से। और दूसरा वाला पाइप थोड़ा सा बड़ा हो रहा था तो उसको भी ये छुरी गरम करके इसको कट कर ले रही हूँ, और जो भी मतलब गोल शेप अच्छा से शेप ले लेगा, और वो थोड़ा सा बिल्कुल अजीब सा टूटा हुआ था तो उसको अच्छा सा शेप दे दे रही हूँ मैं छुरी को गरम करके। और चूल्हे पे गरम करके ये प्लास्टिक बहुत ही अच्छा से कट जाता है। और ये देखिए, बिल्कुल बहुत ही अच्छा से कट चुका है। और इसको एक बार फिर से हम नाप लेंगे किचन में कि ये कितना बड़ा साइज़ है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। तो चलिए अब अगले प्रोसेस के तरफ आते हैं। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से सेट किया है और ये बड़ी वाली गिट्टी, कील की जो गिट्टी होती है, इस तरीके से मैंने इसको किया है और ये कील मैं अच्छे से ठोक दे रही हूँ। तो मैंने दोनों साइड के पर्दे इस तरीके से सिलाई कर लिए हैं और दोनों साइड के पर्दे, और ये देखिए कुछ इस तरीके से लुक आया है इसका। तो अभी किचन का लुक ख़त्म नहीं हुआ, अभी इसको और भी लुक अच्छा देने वाली हूँ मैं।
तो ये नीचे का लुक इस तरीके से है। और ये देखिए ये कारपेट, ये जब मैं कुकिंग चैनल बनाती थी तो उस पर कुकिंग रख करके इस पर ये कर देती थी, ये रखा हुआ था मेरा, तो मैं इसे ले लेती हूँ। तो शेल्फ़ पे बिछाऊँगी काउंटर टॉप पे, और ये देखिए मैंने काउंटर टॉप पे बिछा लिया और फाइनली किचन का लुक कुछ इस तरीके से निकल के आया है। नीचे मैंने एक वेलवेट का कपड़ा बिछा लिया है और थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ था तो मैंने यहाँ पे जो तेल वेल खाना बनाते वक्त उड़ता है तो वो छींटे उसके जाते हैं, तो मतलब ये मैंने उस अभी फ़िलहाल के लिए मैंने इसको इस तरीके से टांग दिया है। इसको मैं हटा दूँ क्योंकि ये कपड़ा है, जब खाना बनाएंगे तो इसका डर है आग जलने की, तो इसे मैं फ़िलहाल के लिए मैंने कर दिया है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने लुक दिया है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद जब इस तरीके से मेहनत करते हैं और कुछ इस तरीके से लुक अच्छा सा लुक आता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फाइनली बहुत ही अच्छा लुक आया, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा कैसा लग रहा है। और ये शेल्फ मतलब ये कारपेट देखिए शेल्फ पे इस तरीके से, और इसको मैंने दो टुकड़ों में क्योंकि थोड़ा सा बड़ा था तो मैंने दो टुकड़ों में कट किया और इधर के साइड में थोड़ा सा छोटा पड़ गया, कोई बात नहीं। तो ये देखिए और मैंने इस तरीके से इसको टांग दिया है, तो इसको मैं शाम को जब मैं खाना बनाने लगूँगी या चाय वगैरह बनाऊँगी शाम को तो मैं इसको हटा दूँगी क्योंकि इससे डर है। यहाँ पे मैं पेपर ला करके उसको चिपका दूँगी। तो आज का यही था मेरा वीडियो, तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी।